हिमाचल के अंदर इसल से लगाया गया और पूरी दुनिया में बस यही पत्थर मिलेगा। एक आदमी बनाया गया था जिन्होंने बनाया था, इतिहास बहुत पुराना है। तेरी दोस्ती ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि तेरी दोस्ती ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि मेरी खामोश दुनिया को जैसे हंसना सिखा दिया कि मेरी खामोश दुनिया को जैसे हंसना सिखा दिया। मैं कर्जदार हूँ इस खुदा का कि मैं कर्जदार हूँ इस खुदा का और इस भगवान का कि मुझे आप जैसे दोस्त से मिला दिया, कि मुझे आप जैसे एक दो प्यारे से दोस्त से मिला दिया। और आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का व्लॉग मेरी फैमिली के साथ है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ बाहर तो नहीं जाएंगे, अपनी सिटी में जाएंगे और वहाँ पे तो करने हमने दर्शन, आप लोगों को ब्लॉग में दिख जाएगा। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है, इस संडे मैं आ रहा हूँ दिल्ली यानी लाल किले पे मैं आप लोगों को मिल सकता हूँ 12 से और 1 बजे के बीच में, क्योंकि भाई वहाँ पर मुझे रहना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बहन भाई दिल्ली से है तो मिल सकते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आइए दिल्ली, मिलते हैं। एक छोटा कोई भी मिलना चाहता है तो भी मुझसे मिलना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए और वहाँ पे अगर किसी ने मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लो। और ये यहाँ के सामने की मार्केट है पूरी और ये पील कलंदर बहुत ही ऐतिहासिक है, जगह है, ये स्थान है, बहुत महत्व रखता है हमारे पानीपत के इतिहास में। और यहाँ की मार्केट है, ये मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है, प्रसाद वगैरह, कपड़े वगैरह। ये हमारी फैमिली है, चलो क्या विशाल आओ। तो ये हमारी फैमिली है, देखो आप लोगों को हम पीर कलंदर का इतिहास बताएंगे। देखो ये हमारे भाई जी है, प्रसाद नहीं लिया, यहाँ पे बहुत सारे सामान मिलता है वैसे, लेकिन और मार्केट बहुत बड़ी मार्केट लगती है यहाँ पे, ये देख सकते हो चद्दर वगैरह। और पीर कलंदर का इतिहास बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है हमारे पानीपत के इतिहास में भी और पूरी दुनिया में। बस 2.5 कलंदर हैं, 2.5 कलंदर और पानीपत का कलंदर बहुत ही ऐतिहासिक है। पहले करते हैं, ले लिया भाई जी। देखो यहाँ पे कितना सुकून है ना, कितनी शांति है यहाँ पे, मार्केट बहुत ही प्यारा जगह है। ये है अंदर का कुछ नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व रखता है। ले ये भी रख देना, यहाँ पे चप्पलें वगैरह जूते वगैरह निकाल रहे हैं हम। तो हम आ चुके हैं हमने पीर कलंदर, यानी पूरी दुनिया में जो पीर कलंदर हैं वो बस 2.5 हैं। पानीपत का जो पीर कलंदर है पूरी दुनिया में पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का कलंदर साहब और तीसरे नंबर पे है इराक में है, महिला के नाम पे राबिया, वो महिला होने के नाम से मतलब आधा कलंदर है क्योंकि वो महिला के नाम पर ना, इसलिए आधा कलंदर माना जाता है। और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और इसका महत्व बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये एक रात में बनाया गया है जिन्होंने बनाया था। देखो यहाँ पे ये चीज़ें एक रात में बनाया गया है, ये बिल्कुल इसकी कलाकृतियाँ देखो कितनी बहुत ही ऐतिहासिक, आप लोगों को मैं आगे चीज़ें बताऊँगा सारी चीज़ें। फैमिली चल रही है, और रखे उसमें अगर ओरे, ये देख सकते हो अंदर का नज़ारा है और महत्व देखो
हम आ चुके हैं अंदर और भाई लोगों ने इन चीज़ों का मैं तो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये पत्थर इस पे ना सोना चांदी होता है ना, ये धातु इस पे रगड़ के बता सकता है ये पत्थर ऐसा है कि इसे सोना चांदी का पता चल जाता है, ये सोने का है या चांदी का। मस्जिद के अंदर जो पत्थर लगाया वो जहर खुरानी यानी मिसर से लगाया गया, वो पूरी दुनिया में बस यहीं पत्थरों मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। आओ लोग वैसे देख सकते हैं कितनी शांति है ना यहाँ पे, और जय देखो यार कलाकृतियाँ देखो कितनी प्यारी हैं। चल तो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है पानीपत में। एक रात में बनाया गया, जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने जो जिन होते हैं ना जिन, उन्होंने बनाया था। तो बताया जाता है कि रात में बना रहे थे, तो रात में क्या होता है एक लेडीज जो होती है पहले चक्की हाथ से खींचते थे तो उठ गई, जिसकी वजह से जिन भाग गए। तो ये देख सकते हो भाई, वाह क्या नज़ारा है, बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। देखो भाई नमक और छाड़ो, पूरी दुनिया में ना ये ढाई कलंदर है, ढाई इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का में जो कलंदर है ना, पानीपत का कलंदर सबसे पहले स्थान पर आता है, उसके बाद पाकिस्तान में कलंदर साहब है और दूसरे नंबर पे है, और एक कलंदर है वो आधा कलंदर है वो महिला के नाम पे है, और जो इराक के इराक में महिला राबिया के नाम से है, वो महिला होने के कारण वो आधे आधा माना जाता है कलंदर, यानी पूरी दुनिया में बस ढाई कलंदर है। हाँ और ये पत्थर है ये ना कि ये मौसम बता देता है, मतलब बारिश आने से पहले ना कि मौसम चेंज होने से पहले पत्थर गीला हो जाता है, और बारिश आने से पहले ये मतलब बता ये मौसम का हाल सारी चीज़ें बताते हैं पत्थर। ये पत्थर है मौसम का हाल वो बताता है भाई। तो आज हम आए हैं अपनी फैमिली के साथ आज पहली दर्शन करने, सोचा फैमिली के साथ चलते हैं दर्शन करने। तो पहले ना यहाँ पे भी जाया जाता था, ये बंद है शायद, ये बंद कर रखा है। ये बंद क्यों है, खुलता नहीं, खुलेगा नहीं। हाँ नहीं है कुछ भी, हाँ नहीं है, यहाँ नहीं है कुछ भी। देखो ये मस्जिद है बंद हो गया गेट, तो हम अपनी फैमिली के साथ आज जा रहे थे पीर कलंदर पे दर्शन करने, मत्था टेकने, हमारी फैमिली है। तो ये रास्ता भी जाता था पहले बंद कर दिया, देखो ये चारों तरफ ये पत्थर बने हुए हैं, मौसम का हाल बताते हैं इसके चारों तरफ ये पत्थर, आप लोगों को ऐसे पत्थर मिलेंगे जो हाल बताते हैं मौसम चेंजिंग और कैसे होते हैं, बारिश से पहले बहुत सुकून भरा यहाँ शांति बहुत है। तो एक रात में बनाया गया था जिन्होंने बनाया था, इतिहास बहुत पुराना है। Thank you.
ले। तो भाई अंदर का थोड़ा अलाव नहीं था, क्योंकि मस्जिद के अंदर ना अलाव नहीं करते वीडियो कैमरा जाना, तो इसलिए वहाँ की वीडियो नहीं है। थोड़ी सी बनाई थी मैंने आगे की, क्योंकि अलाव नहीं करते। और ये जो पत्थर है ना धातु के, इससे सोना चांदी की पहचान हो जाती है। यहाँ पे रख दो, जिसके पास सोना है असली या नकली आप लोगों को पता चल जाएगा। और ख़ास बात बता देते हैं, यहाँ से पूरी दुनिया से लोग आते हैं, 35 कम से कम हर साल पूरी दुनिया से 35 लाख लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। क्योंकि भाई इतिहास से है, एक रात में बनाया गया था जिन्होंने, जो जिन होते हैं ना पहले, तो वो बताते हैं कि ना जो पहले हाथों से चक्की आटा पीसते थे, तो रात में तकरीबन 4 बजे या 3 बजे के आसपास कोई लेडी जागती है, तो जिसकी वजह से वो जिन आधा काम चीज़ के छोड़ के भाग गए थे। तो इसके जो अंदर हैं चांदी से और सोने से बने हुए हैं मस्जिद, चारों तरफ के सोने और चांदी से ये दरवाजे हैं। वो मछली देखते हैं, और ख़ास बात बता देते हैं, यहाँ पे हर चीज़ जो मिलेगी आप लोगों को। यहाँ पे बाहर इतना शोर होता है क्योंकि बाहर इतनी मार्केट है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल एक शांति है। एक मतलब इतनी पब्लिक होने के बाद भी ना यहाँ पे इतनी शांति होती रहती है। थोड़े ये यहाँ पे ना शायद कोई प्रोग्राम होगा, बांस लगे हुए हैं। जो काफ़ी अच्छा लगता है, शांति होता है, क्योंकि हम किसी भी जगह जाते हैं पूरी दुनिया में, खासकर बात हमारे पानीपत में और हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ख़ास बात यह है कि हमारे पूरी दुनिया में एक ही पीर कलंदर है, और जो सबसे पहले स्थान पर आता है, और दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान में। वो कलंदर साहब है, और पीर कलंदर का पूरा नाम बता देता हूँ मैं, शाह शरफुद्दीन अली शाह कलंदर है। और इसके अंदर जो मस्जिद है, जो दरगाह है, वो जागीर नवाब बादशाह जागीर वजीर नवाब के जो माता पिता थे या उनकी फैमिली थी, उनकी मस्जिदें हैं। मैं आप लोगों को पीर कलंदर का पूरा नाम बता देता हूँ, पीर कलंदर का पूरा नाम है शाह शरफुद्दीन अली शाह कलंदर है। और जो पीर कलंदर के अंदर मस्जिद है, दरगाह है, और बादशाह जागीर वजीर नवाब के जो मकरूबद्दीन अली खां उनकी दरगाह है, और बहुत ही मतलब उनकी जो फैमिली, उनके जो रिलेटिव, उनकी दरगाह है। और क्या बताएं भाई, इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। और मुझे कुछ अगर किसमें कुछ आप लोगों को कुछ भी भाई ज़्यादा मुझे इतना ही पता था कि कुछ भी लिखे तो आप गूगल कर सकते हो, इसका इतिहास जान सकते हो, तो लिख देना पीर कलंदर पानीपत। आप पीर कलंदर लिख देना तो अपने आप आ जाएगा पानीपत का, ऐतिहासिक नगरी है पानीपत। वैसे भी 3 युद्ध हुए हैं, और ये हमारे शहर में पानीपत में दरगाह यानी कलंदर साहब है, बहुत अच्छा। इस तरफ हमारी फैमिली है, यहाँ पे देख सकते हो कि मछलियाँ हैं इस तालाब में, अगर आप लोग दिख रही है, ये रखी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं बहुत सारी। तो वो आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ, जब पूरी दुनिया में सिर्फ 2.5 कलंदर हैं, 2.5 पानीपत में। और हमारे भारत का यह सौभाग्य है कि हमारे भारत में सिर्फ पहले नंबर पे एक कलंदर साहब आता है, दूसरे नंबर पाकिस्तान में आता है कलंदर साहब, और तीसरे नंबर पर इराक़ में महिला राबिया के नाम से बसरी शहर में है आधा कलंदर, वो महिला होने के कारण इसलिए आधा कलंदर माना जाता है। और इसके अंदर जो मस्जिद है वो जहर कुरानी पत्थर से मिस्र से लाया गया है पत्थर, पूरी दुनिया में पत्थर बस यहीं मिलेगा आप लोगों को, कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अंदर जो 4 गुंबद है पत्थर हैं,
उसमें सोना और चांदी की धातुएं लगा सकते हो, पता लगा सकते हो कि ये सोना है चांदी की धातु असली है नकली है। और इसके अंदर इसके चारों तरफ पत्थर लगे हुए हैं उनके, इससे कि मौसम का हाल बता सकते हैं। और पीर कलंदर का पूरा नाम शाह शरफुद्दीन अली बू अली शाह कलंदर है। और इसके अंदर जो मज़ारे हैं बादशाह जागीर के नवाब वजीर नवाब मकरुबद्दीन अली खां की उनकी और उनके फैमिली की मज़ारे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग? तो ये आज के दर्शन अपनी फैमिली के साथ हमने किए हैं, माथा टेका है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ज़्यादा ही कुछ ही चीज़ का इतिहास जान सकते हो आप तो गूगल कर सकते हो, गूगल पे जाइए पीर कलंदर लिखिए तो वहाँ पे आप इसका गूगल करके इतिहास जान सकते हो। चल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके दर्शन करके माथा टेक के, तो निकलते घर की तरफ। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। निकल रहे हैं घर की तरफ, यहाँ लगती है मार्केट, प्रसाद चद्दरे फूल गुलाब के फूल। देख सकते हो कुछ लेना है क्या, कड़े वगैरह ले आ? बात करेंगे।